वेल हेलो एंड वेलकम बैक, वी आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। एक्चुअली पिकटेल का अपडेट हमारे कार में हुआ नहीं था, तो पहले तो आपको बोला था कि पिकटेल का अपडेट हुआ है, बट देन हमको भी पता चला कि पिकटेल का अपडेट नहीं हुआ है। बट देन टाटा सर्विस सेंटर वालों को बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, उन्होंने घर पे आके पिकटेल का अपडेट और बाकी सब चीज़ें चेंज की। तो ये पूरा वीडियो उसके ऊपर रहेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। सो लेट्स टुगेदर वीडियो। और ये है पिक्टेल, ये पिक्टेल है क्या, ये वाला ये पिक्टेल, ये क्या रहता है ये पिक्टेल? एक्चुअली फेलियर जो हो रहा है पार्ट, हाँ। तो ये सिंगल लगा है, सिर्फ डायरेक्ट लगा है। अच्छा। इसके साथ ये सेफ्टी के लिए दिया है इसे। अच्छा, ओके ओके। ये PWM, अच्छा ये PWM है। ये दूसरा चेंज किया क्या, ये वाला? ये ओल्ड पार्ट है, ये न्यू पार्ट है। अच्छा, ओके, ये न्यू पार्ट है, ओके। तो इससे कंप्रेसर बेसिकली प्रॉब्लम नहीं देगा? नहीं नहीं, ओके। हाँ, रेडी कर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि घर पे आके पिकटेल और PWM चेंज किया है, क्योंकि तो इसमें टिगोर ईवी में कुछ तो भी इश्यूज थे कि कुछ कुछ गाड़ियों में कि कंप्रेसर पे प्रॉब्लम आ रहा था, और इसके वजह से ये सेफ्टी की वजह से पिकटेल डालना बहुत ज़रूरी था और PWM डालना बहुत ज़रूरी था। एसी ऑन केला? ये इसमें से आवाज आएगा मोटर में। सो एसी ऑन करने के बाद में, वैसे तो एसी ऑन था बट कंप्रेसर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि तो ये जो आप अभी फ्यूज़ देख रहे हो, ये फ्यूज़ उड़ गया था। तो इनके पास में फ्यूज़ नहीं था, तो बोला था कि कल आप सर्विस सेंटर आ जाओ, वहाँ पे फ्यूज़ चेंज कर देंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकेंड डे। तो कल जब ही घर पे आए थे वो टाटा वाले अब सब पूछ करने के लिए, उसके बाद में तो एसी चला नहीं था, क्योंकि तो उसका जो एक फ्यूज़ था जो ऑलरेडी आपको बताया था कि वो उड़ गया था। तो अभी सर्विस सेंटर जा रहे हैं। वैसे भी कार का सर्विसिंग बहुत टाइम से ड्यू है, हमको टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी सर्विसिंग पे देने के लिए। तो आज फाइनली हमने सोचा, अभी वैसे तो दोपहर के 2 बज रहे, बहुत लेट जा रहे हैं, यहाँ पे टाइमिंग गलत है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, बहुत लेट जा रहे हैं, अभी गाड़ी कल ही लेंगे। बट ये जो भी प्रॉब्लम था वो सब टाटा को बोलेंगे कि भाई ये सॉल्व करके देने के लिए। और नेचुरली 20 तारीख हो गया, 20 दिसंबर हो गया, यहाँ पे अब तक रीजन लेवल और TPMS वगैरह का जो अपडेट आने वाला था टिगोर ईवी में, अब तक कुछ आया नहीं है। तो मे बी टाटा और थोड़ा टाइम लेगा और जनवरी में ही अपडेट आएगा, चालू कर देगा, और टेस्टिंग चालू रहेगा, आई एम श्योर कि टेस्टिंग चालू रहेगा, उसके बाद में अपडेट देगा। तो लेट्स सी, अभी जाते हैं और अपनी गाड़ी सर्विसिंग पे देते हैं। सो सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद में सबसे पहला हमने उनको बाहर बुलाया और उनको बोला कि एसी का जो प्रॉब्लम था, एसी तो काम कर रहा था बट देन जो कंप्रेसर था वो चल नहीं रहा था। तो उनको बोला था सबसे पहले फ्यूज़ चेंज करो, फ्यूज़ वहाँ पे लगाओ और चेक करते हैं कि एसी काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे उन्होंने फ्यूज़ तो लगा दिया है, जैसे कि आपको दिखता होगा कि 40 नंबर का कुछ तो भी है फ्यूज़, उन्होंने कुछ तो भी लगाया है जो उससे अभी कंप्रेसर काम करेगा, एसी काम करेगा, सब अच्छे से काम करेगा। सो फ्यूज़ लगाने के बाद में जैसे कि आप सुन सकते हो कि कंप्रेसर का आवाज़ आ रहा है, कंप्रेसर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही है, सिर्फ फ्यूज़ का चेंज करना था और कंप्रेसर काम करना चालू कर दिया और बाकी सब तो चीज़ें चेंज कर दी थी। सो गाड़ी पूरी सर्विसिंग होके अभी जस्ट आई है, और जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि इसमें वो लोगों ने बहुत 2-3 पार्ट्स चेंज किए थे, पिकटेल डाल दिया था इसमें, जो पहले नहीं था। हमारे लिए भी शॉकिंग था कि हमको बोला गया था कि इसमें पिकटेल डालेंगे बट वो टाइम पे डाला नहीं था, और एसी काम करना बंद कर दिया था। आपको जैसे कि बताया जो वो छोटा सा फ्यूज़ था वो चेंज करने के बाद में एसी तो वैसे ऑन था बट देन वो फ्यूज़ उड़ गया था, तो एसी ऑन करने में भी प्रॉब्लम हो जाता था, कि नहीं तो फिर कंप्रेसर उड़ जाता था। बट हमको इतने टाइम से पता नहीं था कि हमारा वो फ्यूज़ उड़ा हुआ है और कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। एसी काम कर रहा था, एसी कूलिंग कर रहा था, अभी भी एसी कूलिंग कर रहा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, वो कंप्रेसर जब एसी चालू कर रहा है तो कंप्रेसर चालू हो रहा है। तो अच्छा हुआ कि अच्छे टाइम पे ही अपडेट कर लिया, नहीं तो फिर कंप्रेसर उड़ जाता। 2 कंप्रेसर हमको वारंटी में पूरा मिल जाता था, बट देन अभी हमारा अभी सब कुछ ये हो गया है, तो आई गेस प्रॉब्लम नहीं आना होना चाहिए। तो यही था, हमको आपको यही अपडेट करना था कि जो भी चीज़ें टिगोर ईवी में प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको वो बताने की ट्राई कर रहे हैं।